So student, next question is question number 14 in your NCERT book. Watch carefully everyone. Question number 14, a bullet of mass 10 gram. First mass is given 10 gram. So I will write here. First, what is the mass? Mass is given 10 gram. We have to convert in kg. So 10 divided by 1000. What is the answer? 1, 2, 3, 0.010 kg. Right, that is the mass. With traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second inverse. So what is the initial velocity? 150 meter second inverse. Next is strike a stationary wooden block and comes to rest. वो एक horizontally move कर रहा है, traveling कर रहा है velocity से, एक stationary wooden block से strike हुआ है and rest में आ गया है and comes to rest. Rest, that means final velocity is 0 in 0.3 second. Time is given 0.03 second. Right, calculate the distance. First, we have to calculate the distance. Calculate the distance of the penetration of the bullet into block. जब कोई bullet जो है mass है उसका वो कहीं एक pass हो रही है horizontally wooden block से, तो उसको penetration होने के में इसने कितनी distance cover की? इतने cover bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force. तो student, in this question the u is given, v is given and t also given. S we have to find out the s and force. Distance we have to find out and force we have. Students, यहाँ पे हमें find out करना है displacement, sorry, distance and force. So for the s, for the distance we have here formula s equals to ut plus half at square from our motion chapter. ये हमारे पास formula है and f का ma. Clear? But student, first of all we have to know that acceleration, क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस का जो हम फॉर्मूला लगाएंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसके लिए हमें एक्सीलरेशन चाहिए. हमने एक फॉर्मूला और भी है लेकिन हमें उसमें रिक्वायर्ड है एक्सीलरेशन. सो फर्स्ट वी फाइंड आउट द एक्सीलरेशन v माइनस u अपॉन t. व्हाट इज द v? v की वैल्यू 0, u 150, टाइम कितना दिया हुआ है 0.03. राइट, अब आपसे कैंसिल कर लेंगे तो ये हो गया आपका 50, ठीक है, और डेसिमल था ऊपर आ जाएगा आपका 0, डेसिमल में था तो ऊपर आपका आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपका 50. डेसिमल रिमूव होगा तो ऊपर लगेंगे 0, तो यहाँ के आपके आपके आ गया 5000. तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स हमारे पास? 5000 मीटर सेकेंड स्क्वायर. राइट, क्योंकि हमें पता है कैसे आया, 0.03 था. आप डेसिमल रिमूव करेंगे, 2 है, 2 जीरो लगेगा, ठीक है, 3 5 50 5000 एज इट इज 5000. स्टूडेंट, एक्सीलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब हमें फाइंड आउट करना है उसका पेनिट्रेशन में उसे कितना टाइम लग रहा है, डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू द ब्लॉक. सो एज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे यू 15150 मल्टीप्लाई टी 0.03 प्लस हाफ. एक्सीलरेशन कितना है स्टूडेंट्स? 5000 टी स्क्वायर. टी कितना है? 0.03 बट स्क्वायर में है, सो मल्टीप्लाई. क्लियर? अब हम इसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 0 0, क्लियर, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, ठीक है, 5 3 जा 50, 5 2 जा 10, क्लियर, 3 3 ये आपका बच गया 3 मल्टीप्लाई 3, नीचे 2, ये प्लस का साइन है. यहाँ पे हम करेंगे सेम 2 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0,
3 मल्टीप्लाई 3 एंड डिवाइड बाय 100, ये आपका 4 हो गया। क्लियर? अब आपके पास क्या बचा? 9 अपॉन 2 प्लस 9 अपॉन 4, राइट। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसको आगे कंप्लीट सॉल्व करना है। स्टूडेंट हियर इज माइनस, एक्सेलरेशन हमारा आएगा माइनस है, यहाँ ये माइनस है, सो यहाँ पे भी हमारा एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट माइनस में। क्लियर? नेक्स्ट इज यहाँ ये माइनस है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ भी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, राइट, ये हो जाएगा माइनस। 9 अपॉन 2 आप करेंगे तो हमारे पास आ गया 4.5 माइनस 2.25 कैसे आया, 9 से डिवाइड करेंगे 2 को, 4.5 और 4 को डिवाइड करेंगे 9 से, सो 2.25, और आफ्टर डिवाइडेशन, आफ्टर जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 2.25। व्हाट इज द आंसर? 2.25। ये हो गई हमारी डिस्टेंस, हमने क्या निकाला, डिस्टेंस की ब्लॉक को कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पेनिट्रेशन में कितना टाइम लगेगा, राइट। अब हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, अब आपको निकालना है इसका फोर्स। क्लियर? फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू एम ए, और जब हम बात कर रहे हैं कि एक बुलेट है, बुलेट का हमें फोर्स दिया हुआ, मास दिया हुआ है 0.1, 0.010, एंड हमारे पास जो एक्सीलरेशन है स्टूडेंट, मास हमें गिवन है 0.01। व्हाट इज द मास हियर? 0.01 केजी। एक्सीलरेशन हमारे पास आ गया 5000। एक्सीलरेशन कितना आ गया? 5000, राइट, 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ये हो गया हमारे पास 20, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, जब 1 मल्टीप्लाई 50 होगा तो फोर्स कितना आ गया हमारे पास? माइनस 50 न्यूटन आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अगेन आई रिवाइज दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन, नो नीड टू कंफ्यूज एनीवेयर। अ बुलेट ऑफ मास, मास हमें दिया गया था 10 ग्राम, लेकिन व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? ऐसा यूनिट होती है केजी, सो वी हैव टू कन्वर्ट 10 डिवाइड बाय 1000.01 kg, ठीक है केजी। नेक्स्ट इज इनिशियल हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी, वो मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी, स्ट्राइक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से वो टकरा गई और वहां से पेनिट्रेट हो रही है, सो यू 150 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, वी 0, क्लियर, टी 0.303 के सेकेंड जो कि हमें गिवन था। हमें फाइंड आउट करना था यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, व्हाट डिस्टेंस इट कवर्ड, एंड डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, नेक्स्ट फोर्स, फोर्स कितना लगा। क्लियर? सो फॉर्मूला हमारे पास होता है एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एफ इक्वल्स टू एम, राइट, ए वी माइनस यू अपॉन टी, वी कितना है हमारे पास 0, 0, यू आपका हो गया 150 डिवाइड बाय टाइम, टी गिवन है हमारे पास 0.03, राइट, डेसिमल रिमूव किया ऊपर 20 आ गया, राइट, यहां से हम जब इसे कट करेंगे 3 डिवाइड बाय 15 5 और 300, राइट, आंसर इज माइनस 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन हमारे पास माइनस में आया, अब हमें फाइंड आउट करना है एस, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू प्लस यू 150 दिया हुआ है, हाफ है एक्सीलरेशन, हमें मालूम है एक्सीलरेशन कितना स्टूडेंट्स हमारे पास, ये तो टी की वैल्यू है 0.03, फर्स्ट हाफ माइनस 5000 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 0.03, हमने 2 बार इसे लिखा क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर है, राइट, जब हम सॉल्व करेंगे इसे, जो कट रहा था हमने काट दिया, डेसिमल से डेसिमल, 0 से 0 कट हो गए, ये हमारे पास आ गया है 9/2 एंड 9/4, 2 को 9 को 4 से डिवाइड करेंगे 4.5 और 4 से डिवाइड तो 2.25, माइनस किया 2.25, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो हमारे पास किस में आएगी, डिस्टेंस मीटर, इतना डिस्टेंस कवर किया बुलेट ने। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है फोर्स, एफ इक्वल्स टू एम ए, एम दिया हुआ 0.01 केजी मल्टीप्लाई ए 5000 माइनस
डेसिमल में हो गया 20, 0 से 0 कट, आपका आ जाएगा 50 न्यूटन, 1 × 50 50 न्यूटन। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। इसी तरह से न्यूमेरिकल हमें इसके करने हैं, आपको धीरे धीरे करने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो फास्ट नोट डाउन यू एवरीवन, एवरीवन नोट डाउन इन योर रजिस्टर।